कहीं को नुबू अंदर रंग बढ़े अन्ना क्या बाटा अंदर जारी दियो आयो को कारीगर कर कोई सोच नहीं रंग अंदर रंग ही हुआ ठीक है बाद में जानो है आज तो जाइ तो दी ये को नहीं एक बाटा और गाड़ी आलवा आये बाहर एक जानो लेकिन वो तो ही सही नमस्कार दोस्तों आपने जीरा इस गोल दोनों वीडियो के अंदर देखा होगा जो किसान हैं उनसे भी आपको बात करवाएंगे और जिन्होंने अपना मशीन खरीदा है और उन्होंने बहुत सारे लोगों के खेतों के अंदर बुआई करी है तो आपको जो बहुत बड़ा फॉर्म या ज़मीन या जो जगह देख रहे हैं या कहीं पे मुरबा भी बोला जाता है कहीं पर बीघे के हिसाब से कहीं पर एकड़ के हिसाब से तो बने रहे हमारे साथ और आप अभी जो हम खड़े हैं तो ये एक जो डिक्की बनी हुई है पानी स्टोर के लिए किसानों के लिए उस पर खड़े हैं तो आपको पूरा नज़ारा देखने के लिए मिलता होगा और हमारे साथ वो किसान भी हैं और वो जो मशीन ऑपरेट करते हैं एक तरीके से भी ड्राइवर भी है तो उनसे अपन पूरी जानकारी लेंगे और उनका नाम वगैरह सब पूछ के इनसे पूरी जानकारी लेंगे तो बने रहे हमारे साथ राम राम जी राम आपका नाम मेरा नाम अच्छा जी अपना जो खड़े हैं ये कौन सा गांव है सिंगुड़िया तहसील अभी बाटर हुआ पहले बाई तुम था बाढ़ में डिस्ट्रिक्ट अच्छा जी जी जो आपकी जो जीरे की और इस सब गोल की हमने जो फसल देखी है वो आप किससे बिजाई करी है सुपर फास्ट मशीन से अच्छा जी तो मुझे आप बताएं कि इस मशीन से जो फायदे हो रहे हैं वो फायदे जरूर आप मुझे बताएं फायदे तो अभी जीरे की रेट साढ़े आठ पर के है तो इसमें आधा जीरा बस जाता है सीधा अगर किसी खेत में बीस हज़ार का जीरा कपन को डालना है तो दस हज़ार रुपये ही डालना पड़ेगा दस हज़ार की सीधी बसत है तो जिसके ज़्यादा खेती करता है मैंने मेरे खुद के तीन टुब्बेले तो मेरे को जीरे जीरे के सिर्फ डेढ़ लाख रुपये बसे और खड़ाई में तो वही खर्चा आता है अगर खुद से करेंगे हाथ से छाट के या करेंगे तो भी वो टाइम तो वही लगेगा खड़ाई के अंदर और इसमें सीधी जीरे के अंदर भी मेरे डेढ़ लाख रुपये तक बसे और खेतों के अंदर जाते तो खरपतवार निकालने की भी अच्छी जगह भी इसमें और पौधा फैलाव करेगा साइड में तो भी उसमें नमी वमी नहीं रहेगी लास्ट में क्या आ गया इधर अगर सुबह ज़्यादा पानी की वजह से यहाँ मौसम सही नहीं रहेगा अगर जीरा झाका जाले यहाँ शर्मा बोलते हैं इधर मारवाड़ी के अंदर तो वो शिकायत बहुत कम रहेगी इसके अंदर और ये जीरा ऐसा है कि उगने के अंदर एक साथ छाथ उगेगा वो तो हाथ से साटा हुआ एक जगह बीज निकल जाएगा या खिजड़ी की साया में वो जल्दी उग जाएगा दूसरी जगह नहीं दिखेगा इसमें एक ही खासियत है उगेगा तो एक साथ साथ जब अपन को दिखाई देने लगेगा तो एक साथ पूरा अमल जितनी भी अपन जमीन पानी पिलाया है तो वो एक साथ साथ अपन को दिखेगा और रही अच्छी बात यह है कि इसमें ठप तो निकालना है तो कम मजदूरी बाद में इसको अनाज पक जाता है अपन लेते हैं तो उसमें भी आधी मजदूरी क्योंकि वो लाइन टू लाइन है कम वो तो उसका फैलाव ज़्यादा रहेगा तो उसमें अच्छा अनाज उसको खाद बीज दवा पानी जो भी अपन डालेंगे वो पौधा के अंदर दूरी बराबर गैप है तो उसको अच्छी मिलेगी तो फसल भी अच्छी होगी नमस्कार जी तो ये अपने किसान ने अपने को पूरी जानकारी दी और इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमारे पास तीन ट्यूबवेल है उनके ऊपर हमने डेढ़ लाख जीरे की बचत करी है तो समझ सकते हैं पचास हज़ार एक ट्यूबवेल पे इन्होंने बसत करी है तो आप ऐसे ही हर एक किसान जीरे की बचत करें और आपका जो उपयोगी टाइम है उसकी भी बचत करें और इनसे और भी अपन बात करेंगे क्या ये मशीन लेके कैसे है क्या खुश है क्या नहीं है वो भी बात करेंगे मैं बहुत संतुष्ट हूँ ये मशीन तो मैंने इस साल ही ख़रीदा है पहली बार ये जीरा पहले इधर इधर मशीन आती थी सोना था लेकिन इस बार ली और अपन को अच्छा रिजल्ट मिलना उगने करने में सब में धन बेस्ट है अच्छा जी जो अपना आप अपना और हमारा जो वीडियो देख रहे हैं जो किसान आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं तो उनको आप क्या बोलोगे कौन सी कंपनी का वो जीरे का मशीन खरीदे उसके नहीं बारे में यही है कि सुपर फास्ट मशीन खरीदोगे इसमें डीएपी की सुविधा भी साथ बोने के लिए तो डीएपी ए पी तीस पैंतीस किलो जो भी अपने मन मर्जी से अगर पचास किलो बोना है पच्चीस पैंतीस जो भी अपने मन के एवरेज से बोना है तो वो डायरेक्ट पौधे की जड़ों के अंदर जाएगी जहाँ बीज गिरेगा उसके साथ में ही डी ए गिरेगी तो उसको ज़रूरत है पौधे को डी ए पी की तभी मिलेगी यहाँ अपन ऐसे फेंक देते हैं फिर ऊपर सुवार उवार देते हैं या रोटावेट देते हैं तो वो दाणे कहीं जाते हैं ऊपर मिट्टी ज़्यादा आ जाती है तो पौधों के काम नहीं आती ये एकदम जितना गहराई में जीरे का दाना जाएगा उतनी ही गहराई में डी जाएगी तो ये अच्छी क्वालिटी की मशीन है तो इन्होंने पूरी मशीन की भी जानकारी दे दी और फसल के बारे में भी जानकारी दे दी और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है वो मैं आपके किसानों को बता देता हूँ कि जो डीएपी होती है वो बीज के अंदर और बीज के साइड में और उसके नज़दीक में गिरती है ताकि आप जो हाथ से छिड़काव करते हैं या फिर दूसरी मशीन से आगे बोवाई करके डालते हैं तो क्या होता है वो बीज से दूर गिर जाती है तो बीज को पौधे को मिलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं तो इन्होंने बताया कि जो भी अभी इसके बाद में जो इनसे एक और सवाल करेंगे तो आप बने रहे हमारे साथ इनसे ये पूछेंगे इसके अंदर जो दवाइयाँ होती है वो क्या क्या डालते हैं क्या क्या नहीं डालते कई किसानों के सवाल रहते हैं कि भाई जो किसान नए रहते हैं और जीरे की खेती करना चाहते हैं क्योंकि हर साल जीरे के दाम बढ़ रहे हैं तो हर एक किसान की ख्वाहिश है कि जीरे की खेती करेंगे तो बने रहे हमारे साथ इनसे पूछेंगे आप क्या क्या दवाई डालते हो और उस दवाई का क्या क्या नाम है वो भी इनसे जानकारी लेंगे हम तो इधर सल्फर डालते हैं पचासी परसेंट और लोगों के अलग कोई पच्चीस परसेंट डालता है कोई अस्सी परसेंट डालता है उसके बाद में आया बायोविटा और उसके बाद में जिंक डालता है कोई यूरिया डालते हैं फालतू तो जहर हज़ार तरह के आते हैं दुकान वाले ये रासायनिक दवाइयाँ हैं तो ये मजदूरी करने के लिए बहुत कोई हजारों क्वालिटी की दवाई देते हैं लेकिन ज़्यादा कोई दवाई डालने से अनाज कभी ज़्यादा नहीं होता है सब दुकान वालों की मज़दूरी का ही काम है बस अच्छा जो किसान कुछ ऐसे देखते होंगे तो वो भी उनका सवाल रहता है कि आप इसके अंदर स्प्रे करते हो हाँ लास्ट में स्प्रे करते हैं ज़रूर जो भी एन पी के है या जो इसके पुरानी ज़मीन हो गई है जॉब कार्बन जॉब एक दो दवाई आती है जो वो डालते हैं उसमें जलने की शिकायत कम रहती है लेकिन खास रिजल्ट नहीं मिला मैंने कहीं बता मैं एन पी के ज़रूर फोटों के अंदर फुलाव फुटाव के लिए अच्छी अब ये एक तो एक विकटारा डाल दे तो वो एक जहर है एक तरह का जमीन के अंदर तीन चार साल तक सैंपल के अंदर नहीं है जितना भी हो सके लोग खुद की खाद खाद घर की ही देसी खाद ही डालें रासायनिक दवाइयों पे जितना भी आगे ज़्यादा भरोसा करेगा उतना ही ज़्यादा नुकसान खेत को भी है अपन को भी है और खाने वाले को भी जी जो इन्होंने बताया कि अगर आप दवाई का बहुत कम उपयोग करें और एक जो एक जहरीली दवाई का एक तारा नाम से बताया था तो उन्होंने बहुत अच्छी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको शिक्षा मिल रही है जो आप ऐसे जहरीले जहर के लिए आप जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनको नहीं करना चाहिए जो शुद्ध दवा होती है उसको यूज़ करें ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी फायदा हो तो इन्होंने बहुत अच्छी हमारे को जानकारी दी है और हमको भी नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या डालते हैं क्या क्या नहीं डालते हैं तो मोती राम जी ने अपने को पूरी बात बताई और पूरा तरीके से समझाया कि इसके जीरे के अंदर इतनी ज़्यादा कोई दवाइयों की सख्त ज़रूरत नहीं होती है तो आपको हमारा वीडियो और जो हमारी नॉलेज आपको अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और और भी हमारे वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं राम राम जी